गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से हुए रूबरू। कहा 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनपद को 10,000 करोड़ की परियोजनाओं के देंगे सौगात। खाद कारखाना एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्थापित आरएमआरसी के लैब्स का करेंगे उद्घाटन। 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह हिंदू सेवाश्रम में लगाया जनता दरबार। करीब 200 फरियादियों की सुनी फरियाद, निस्तारण के दिए आदेश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 दिसंबर को जनपद आगमन के मद्देनजर रहेगा रूट डायवर्जन। एसपी ट्रैफिक ने कहा, रैली में आने वाले लोग पार्किंग में ही खड़ी करें अपने अपने वाहन। तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद वाराणसी हुए रवाना। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 41वें दीक्षांत समारोह का लोगो हुआ जारी। प्रतिष्ठा मिश्रा का लोगो बढ़ाएगा दीक्षांत समारोह की गरिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनपद आगमन के मद्देनजर ड्यूटी में लगाए गए जिला एवं पुलिस कर्मियों को किया गया ब्रीफिंग। ड्यूटी को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने के दिए गए निर्देश। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के तहत रविवार को आयोजित हुआ चित्रकला प्रतियोगिता। विजय प्रतिभागियों को 10 दिसंबर को किया जाएगा पुरस्कृत। आईएमए के अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई हीमोफीलिया सोसाइटी की बैठक। हीमोफीलिया के मरीजों के इलाज के संबंध में हुई चर्चा। रविवार को 61 केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न हुई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित समीक्षा अधिकारी की परीक्षा। सुचिता के रहे व्यापक इंतजाम। और डीआर इवेंट क्रिएटर्स के नए मैगजीन फैशन वर्ल्ड का पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने किया विमोचन। कहा, उभरते कलाकारों को मिलेगा नया मंच।